हेलो फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स के बारे में कॉम्प्लेक्स के कंपोजिशन को डिटरमाइन करने के लिए हम यहाँ पर मेथड ऑफ कंटिन्यूस वेरिएशन को डिस्कस करेंगे इस मेथड को हम जॉब्स मेथड भी कहते हैं अब देखिए जॉब्स मेथड एक स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड पर बेस्ड होता है जिसमें कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन पर सिस्टम की एब्जॉर्बेंस में जो चेंजेस आते हैं उसके बेसिस पर उस कॉम्प्लेक्स के कंपोजिशन को फाइंड आउट किया जाता है अब देखिए इस मेथड का यूज हम उसी सॉल्यूशन के लिए कर सकते हैं जिसमें कि एक कॉम्प्लेक्स बनता है। मींस उन रिएक्टेंट की रिएक्शन से सिर्फ एक तरह का कॉम्प्लेक्स ही बनना चाहिए उसमें साइड कॉम्प्लेक्स नहीं बनने चाहिए अगर साइड कॉम्प्लेक्स बनते हैं तो उस में उसका कंपोजिशन डिफरेंट आएगा तो हम कह सकते हैं जॉब्स मेथड ऐसे सॉल्यूशन के लिए ही एप्लीकेबल होता है जिसमें सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स बनता है अब डिस्कस करते हैं इसका प्रोसीजर तो देखिए आपको 10 सॉल्यूशन प्रिपेयर करने हैं, जिसका की वॉल्यूम 10 एम होना चाहिए अब उस सॉल्यूशन में एक तो मेटल आयन का सॉल्यूशन हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा लिगेंड का सॉल्यूशन दोनों को आपको इस प्रपोशन में मिक्स करना है कि टोटल वॉल्यूम 10 एम से ज्यादा नहीं हो देखिए इसके लिए आपको टेन टेस्ट ट्यूब लेनी है और उस पर नंबरिंग कर देनी है ये हो जाएगी सॉल्यूशन की नंबरिंग से लेकर टेन तक अब देखिए इसमें आपको मेटल आयन का सॉल्यूशन डालना है तो उसका वॉल्यूम हो जाएगा जीरो से लेकर नाइन एम तक देखिए यहां पर टेस्ट ट्यूब में ग्रीन कलर मेटल आयन के सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ऑरेंज कलर लिगेंड के सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है अब देखिए फर्स्ट टेस्ट ट्यूब की बात करें तो इसमें आयन का नहीं है तो हमने यहाँ पर 10 ml का सॉल्यूशन लिया है टेस्ट ट्यूब में 1 आयन और 9 ml का सॉल्यूशन लिया है तो इनकी टोटल कितनी होती है 10 एम एल इसी तरह से आपको 10 कॉम्बिनेशन बनाने होंगे अब लास्ट टेस्ट ट्यूब की बात करें तो इसमें 9 एम एल मेटल आयन का सोल्यूशन है और वन एम एल लिगैंड का सोल्यूशन है तो इसका भी टोटल टेन एम ही होता है अब देखिए लिगेंड सोल्यूशन की जो कंसेंट्रेशन है उसको हम CL से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और मेटल आयन का जो सोल्यूशन है उसकी कंसेंट्रेशन को हम सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं अब सोल्यूशन की कंसेंट्रेशन की बात करें तो उसको हम सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और यहां पर सोल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट रहेगी क्योंकि सी और सीएम का जो सम है वो हमेशा क्या आ रहा है 10 ही आ रहा है तो हम कह सकते हैं सी और सीएम का जो सम है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा देखिए आप एक से लेकर दस टेस्ट ट्यूब में देखते हैं तो सब में वॉल्यूम कितना आ रहा है टेन ही आ रहा है लेकिन अगर हम सारी टेस्ट ट्यूब को कंसिडर करें तो उसमें सीएल और सीएम का जो रेशियो है वो चेंज हो रहा है जैसे पहली टेस्ट ट्यूब की बात करें तो इसमें सीएल और सीएम का रेशियो जीरो और टेन है फिर सेकेंड टेस्ट ट्यूब में वन रेशियो नाइन है इसी तरह से सारी टेस्ट ट्यूब में रेशियो चेंज हो रहा है लेकिन सीएल और सीएम का सम एक ही है तो हम यहां लिखेंगे सीएल प्लस सीएम इज इक्वल टू सी ये हो जाएगी अपनी इक्वेशन नंबर वन अब देखते हैं दूसरा स्टेप तो देखिए पहले स्टेप में हमने जो सॉल्यूशन बनाए हैं उन सॉल्यूशंस की एब्जॉर्बेंस या ऑप्टिकल डेंसिटी को हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे अब स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की वेवलेंथ आपको इस तरह से सेट करनी है कि कॉम्प्लेक्स मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस शो करे लेकिन मेटल आयन या लिग का सॉल्यूशन मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस शो नहीं करना चाहिए क्योंकि यहां पर आपको कॉम्प्लेक्स का कंपोजिशन फाइंड आउट करना है न मेटल आयन या लिगेंड के सॉल्यूशन का अब देखते हैं तीसरा स्टेप इस अब इसमें आपको क्या करना है लिगेंड के मोल फ्रैक्शन और एब्जॉर्बेंस के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है एक्स एक्सिस पर हमने मोल फ्रैक्शन लिया है और वाई एक्सिस पर एब्जॉर्बेंस लिया है अब इससे जो कर्व मिलता है उससे हम क्या करेंगे एक मैक्सिमम पॉइंट फाइंड आउट कर देंगे ये मैक्सिमम पॉइंट उस सॉल्यूशन की मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस को शो करता है अब देखिए लिगेंड के लिए मोल फ्रैक्शन की बात करें तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा सी एल अपॉन सी देखिए मोल फ्रैक्शन के लिए हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं सी एल अपॉन सी एल प्लस सी एम लेकिन ये वैल्यू किसके इक्वल होती है सी के इक्वल होती है तो Legend के लिए मोल फ्रैक्शन की वैल्यू हो जाएगी सी एल अपॉन सी अब देखिए अगर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला एम एल एन होता है तो यहाँ पर नंबर ऑफ को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा सी एल अपॉन सी एम ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर टू अब देखिए इक्वेशन वन को अगर हम दोनों साइड से सी से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगी सी एल अपॉन सी प्लस सी एम अपॉन सी इज इक्वल टू सी अपॉन सी तो सी अपॉन सी को हम वन भी लिख सकते हैं ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर थ्री अब देखिए जैसा कि हम जानते हैं मोल फ्रैक्शन किसके इक्वल होता है सीएल अपॉन सी तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर फोर अब इक्वेशन थ्री और फोर से देखें तो इक्वेशन थ्री क्या थी सी एल अपॉन सी प्लस सीएम अपॉन सी इज इक्वल टू वन तो सी एल अपॉन सी की जगह हम मोल फ्रैक्शन लिख सकते हैं और अगर हम मोल फ्रैक्शन को इधर शिफ्ट करते हैं तो ये हो जाएगा सीएम सी इज इक्वल टू वन माइनस मोल फ्रैक्शन तो ये हो जाएगी अपने इक्वेशन नंबर फाइव अब देखिए इक्वेशन फोर को हम क्या करेंगे इक्वेशन फाइव से डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन फोर में सीएल अपॉन सी और इसको हम डिवाइड करेंगे सीएम अपॉन सी से तो यहाँ एक सी से एक सी कैंसिल हो जाएगा और ये रह जाएगा एम एफ अपॉन वन माइनस एम एफ अब देखिए ये हो जाएगा सीएल अपॉन सी एम इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन अपॉन वन माइनस मोल फ्रैक्शन अब अगर हम एन का फॉर्मूला देखें तो क्या होता है सीएल अपॉन सी एम तो यहाँ पर हम एन भी लिख सकते हैं तो ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर सिक्स और इस इक्वेशन की हेल्प से हम एन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और एन की वैल्यू की हेल्प से हम एम एल एन कॉम्प्लेक्स का कंपोजिशन फाइंड आउट कर सकते हैं तो ये हो गया जॉब्स मेथड के बारे में अब देखते हैं इस मेथड की लिमिटेशंस तो देखिए जैसा कि हमने डिस्कस किया है ये मेथड उसी सॉल्यूशन के लिए यूज किया जा सकता है जिसमें सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स बनता है तो ये हो जाएगी पहली लिमिटेशन अब बात करते हैं दूसरी लिमिटेशन की अब देखिए ये मेथड तभी यूजफुल रहता है जब मेटल आयन और लिगेंड के सॉल्यूशन के टोटल वॉल्यूम में किसी भी तरह का चेंज नहीं आए मींस हमने टेन टेस्ट ट्यूब ली थी और सबका वॉल्यूम कितना रखा था 10 एम मींस अगर ये कांस्टेंट रहता है तो ये मेथड यूजफुल होता है अगर ये वॉल्यूम चेंज होता है तो ये मेथड यूजफुल नहीं रहता है वॉल्यूम चेंज होने के साथ उस सॉल्यूशन की एब्जॉर्बेंस या ऑप्टिकल डेंसिटी में भी चेंजेस आ जाते हैं तो ये हो गई जॉब्स मेथड की लिमिटेशंस।